ऑर्डर के, गवर्नेंस के, वो सब दूर दूर तक पूरे होते नहीं देख रहे हैं। और हम लोग जब अपनी बात रखना चाह रहे हैं, जैसा अभी अध्यक्ष जी ने कहा, अगर लोकतंत्र में धरना करना, प्रदर्शन करना, रैलियां करना, ये हमारा अधिकार है, हमारा दायित्व है एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष होने के नाते। लोगों को आने से रोका जा रहा है, बाधाएं बनाई जा रही हैं, प्रदर्शन करने से रोका जाता है, लोगों को डिटेन किया जाता है, फर्जी मुकदमे किए जाते हैं, क्या युवक कांग्रेस हो चाहे कांग्रेस हो, लोगों को टारगेट किया जाता है। सरकार दमनकारी नीति का उपयोग कर रही है, जिसकी मैं निंदा करता हूं, लेकिन आज का हमारा जो घेराव होगा, तमाम प्रदेश के नेता इसमें शामिल होंगे और हम सब एकजुटता से जनता की आवाज को मुखर करेंगे। ये कोई कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए मुख्य विपक्षी दल होने के नाते उन मांगों को लेकर सरकार की नींद खोलना चाहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद उम्मीद करता हूं सरकार सचेत रहेगी और जो शेष इनका समय बचा है शासन करने का, वो जनता की उम्मीदों के अनुरूप काम करेगा। प्रदर्शन होते हैं आमतौर पर तीन साल बाद देखने, 6 महीने में आप लोगों को प्रदर्शन की आवश्यकता हमको भाई कोई शौक थोड़ी ना है। हम लोग जब देखते हैं त्राही त्राही हो रही है, हर तरह आप रोज घटना होती है, महिलाओं को उत्पीड़न हो रहा है, डकैतियां हो रही है, मारकाट हो रही है, अपराध हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, और शासन का सिर्फ आश्वासन देने का काम थोड़ा ना होता है। तो कार्रवाई, ठोस कार्रवाई करें, लोगों के जहन में विश्वास पैदा करें, और रोजगार की बात हो, फसल खरीद की बात हो, हर मोर्चे पर सरकार फेल है मुझे लगता है। और आप सही कह रहे हैं, आमतौर पर 1-2-3 साल के बाद सरकार की एंटी इनकम्बेंसी स्थापित होती है, लेकिन इस सरकार ने रिकॉर्ड बना दिया है। चुनाव जीतने के तुरंत बाद दूसरा लोकसभा का चुनाव हुआ है, लेकिन इनका जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, और मुझे लगता है कि यहाँ का जो शासन है वो रायपुर से नहीं चल रहा है, वो दिल्ली से चल रहा है। यहाँ पर प्रदेश के स्तर पर कोई निर्णय लिए नहीं जाते हैं, कोई जवाबदेही तय नहीं होती है। तो हमारी पार्टी सदन के अंदर, सदन के बाहर सक्रिय रूप से, और हम एक सकारात्मक विपक्ष हैं, हम सिर्फ सांकेतिक विरोध नहीं कर रहे हैं, जो मूलभूत सुविधाओं से जनता आज वंचित है उनको लेकर बात उठा रहे हैं, नौजवानों की बात को उठाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के प्रदर्शन के बाद सरकार संज्ञान लेकर उचित कदम उठाएगी, ऐसा मानता हूं।